ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्टिव मास। ठीक है, इफेक्टिव मास को हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक पेनी मॉडल की मदद से। तो क्रॉनिक पेनी मॉडल आपका ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर रहता है, और इस पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर जब ये रहता है तो कुछ अलाउड बैंड्स होते हैं और कुछ फॉरबिडन गैप से ये सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, प्रिलोइन जोन के अंदर ये के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ए में मूव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली इसकी वेलोसिटी को वेव मैकेनिक्स की मदद से हम डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक है जिसका वेव वेक्टर के है, ठीक, तो वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगी उसकी वेलोसिटी, यानी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी ओमेगा बाई डी के बराबर। ओमेगा आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है ई, कैपिटल ई, तो फिर हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा, या फिर हम लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन एच क्रॉस। तो फिर हमारे को v इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई अपॉन डी के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। मान के चलें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास k स्टेट में, फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन में। अब अगर इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं e, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत थोड़े से टाइम dt के लिए, तो फिर इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा v dt के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे वो हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया वो हो जाएगा आपका डी ई इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ई इंटू वी डी टी, विच इज इक्वल्स टू आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी ई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू डी ई बाई डी के इंटू डी टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस डी ई को, या फिर हम और ऐसा लिखें डी ई अपॉन डी के इंटू डी के इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन एच क्रॉस डी ई बाई डी के इंटू डी टी। ये हो गया आपका डी टी। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज जो है वेव वेक्टर का, वेव वेक्टर के बदलने की जो दर है, रेट है चेंज होने की डी के बाई डी टी, वो हो गया ई ई अपॉन एच क्रॉस के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन जो 1 आपने निकाला है वो वेलोसिटी के लिए निकाला है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी से, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस। ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर ई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी के बाई डी टी। अब डी के बाई डी टी की वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फिर हमको जो इक्वेशन है और ए इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर ई बाई सॉरी डी के स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं ए इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन एम स्टार से, ये कहाँ से आया? अब फोर्स आपका होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और फोर्स की वैल्यू होती है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो फिर एम स्टार ए इज इक्वल्स टू ई इंटू ई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम स्टार। तो ये हो गया इफेक्टिव मास। ये जो एम स्टार है एक्चुअली यही क्या कहलाता है, इफेक्टिव मास, और इसकी वैल्यू हमारे को इस इक्वेशन से मिल रही है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये कहलाता है, ये जो टर्म है आपका एम स्टार, यही क्या कहलाता है आपका, इफेक्टिव मास। अब ये जो इफेक्टिव मास है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास जो होता है उसको हम लोग निकालते हैं एक
ग्राफ से निकाला जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और डिपेंड्स कि कर्वेचर कैसा है। अगर अपवर्ड कर्वेचर होगा तो डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड कर्वेचर होगा तो फिर डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर नेगेटिव होगा। इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि ये जो इफेक्टिव मास होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का, ये इफेक्टिव मास कब पॉजिटिव होगा और कब इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।